नमस्कार, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार। आज हमारे हिंदुस्तान के शान-ए हिंदुस्तान प्रोग्राम में हमारे साथ मैडम है डॉक्टर राजश्री, जो कि हरियाणा पुलिस में आईजी की सेवा में दे रहे हैं। हम जानते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने सन 1990 में डीएसपी पद पर हरियाणा पुलिस को ज्वाइन किया था। उसके बाद हूहू इनसे जानते हैं कि आगे कैसा रहा इनका सफर आज तक। आज हमारे साथ है मैडम डॉक्टर राजश्री जी। सबसे पहले सबको नमस्कार। 1990 में जब मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो बहुत ही जिज्ञासा और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ ज्वाइन किया, और देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा था। बचपन से सोचती आ रही थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो बीएमएस किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन था कि मुझे कुछ और करना है। और जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त उड़ान सीरियल आता था, जिसमें कल्याणी सिंह का कैरेक्टर जो है वो बहुत काफी स्ट्रांग दिखाते हैं, और वो कंचन चौधरी भट्टाचार्य मैडम की जिंदगी पे बना हुआ था, और उनकी बहन ने उस पर एक्टिंग की थी उनके रोल में, तो वो बहुत इंस्पायर कर गया मुझे कहीं ना कहीं। एक मन में ये था कि भाई पुलिस ऑफिसर बनना है। तो धारावाहिक से आपको एक प्रेरणा मिली? बिल्कुल। आदमी को इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल जाता है। जब हम बच्चे होते हैं, हमारी ग्रेस्पिंग पावर, हमारी जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है कि हमें जो चीज अच्छी लगती है हम सोचते हैं कि हम भी अचीव करें। वो इतना वो लेवल ऑफ जो है एंथुजियाज्म इतना ज्यादा था, इतनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ जो है उसको पूरा करने की कोशिश की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं एज डायरेक्ट डीएसपी आ गई। और उसके बाद जो है जो पुलिस का सफर है वो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे ऑफिसर्स मिले, बहुत अच्छे सीनियर ऑफिसर्स मिले, जूनियर्स भी बहुत अच्छे मिले, सब जगह से रिस्पेक्ट भी मिली, और आज मैं कह सकती हूँ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। 2012 में मैम आप प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए थे, तो उसके बाद और मोटिवेशन मिली होगी? कुछ ऐसा इंसिडेंट्स बताए मैम कि कुछ हुआ हो जो कि आप चाहते हो कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसा कुछ आपने करके दिखाया होगा? देखिए, ज्यादा आदमी ये सोच के काम करे कि मुझे इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा या कहीं से एप्रिसिएशन मिलेगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे जो काम लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और समाज की सेवा है, देश की सेवा है, उसमें मैं जरूर लग जाती हूँ, और उसका फल हमेशा अच्छा ही मिला है मुझे। जैसे मैं एआईजी ट्रैफिक थी तो मैंने रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो एक एनजीओ है, और सब लोग बहुत जो है दिल से काम करते हैं उसमें, रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को जाके बताते हैं, स्कूल में क्विज कॉम्पिटिशन छोटे लेवल पे करवाते थे, बड़े लेवल पे तो फिर बाद में शुरू हुआ, और उसमें भी हमें जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मिला ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हमारे। तो मतलब एक वो अचीवमेंट जो है, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, तब वो आ जाती है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। काम बहुत किया और उसकी वजह से एक्सीडेंट में बहुत अच्छा रिडक्शन हुआ, और हमें मतलब वो एक तसल्ली रहती है कि हम समाज के लिए बहुत एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद पहले किसी ने नहीं किया और शायद बाद में भी कोई ना कर पाए। ये भगवान की बहुत वो रही है हमारे ऊपर कृपा कि जब जब मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट संभाला है, हमेशा जो है एक्सीडेंट में रिडक्शन हुआ है, डेथ में कमी आई है, चाहे वो किसी भी तरह से सोचा जाए, तो वो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे हमारे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स का भी योगदान है। तो एक जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो बहुत अच्छा रहा। बीइंग फीमेल मैम, आप और पुलिस में है तो बहुत बारी ऐसा भी हुआ होगा कि कई डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी ऐसी भी रही होगी आपके ऊपर कि क्रिमिनल्स का भी सामना करना पड़ता है कई बार जी। तो उस सिचुएशन में आप मैम कैसे हैंडल करते हैं और कैसे अपने आप को मतलब प्रिपेयर करते हैं? देखिए, वो तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमें अंदर से दिल में मजबूती आती है, और क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है तो आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है,
एकदम से जो है आपके डिसीजंस जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट होते हैं, और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में हमें इतना तजुर्बा हो गया है कि आदमी को देख के हम कह सकते हैं कि इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। और कुछ लेडीज की सिक्स सेंस वो भी काम आती है। और एक जो क्रिमिनल होता है वो भी कहीं ना कहीं इंसान होता है, तो उस इंसान के दिल को टच करना और उसको ये बताना कि हम आपकी बात को समझ सकते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने आप ही कुछ ना कुछ बता देते हैं। तो अपने ये भी एक जो है लेडी होने का फायदा है। हाँ, आपने भी सिक्स सेंस बताया लेडीज के होते हैं, बिल्कुल सही है। तो उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ केस ऐसे हुए होंगे जो कहीं से ट्रांसफर होके आपके पास आए हों, जो बीइंग मेल ऑफिसर शायद डील नहीं कर सके होंगे और आपने उसको सॉल्व कर दिया हो, कोई ऐसा आपके कार्यकाल में रहा हो। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं और जिसमें जो है मेल ऑफिसर्स जो है वो दूसरे तरीके से दूसरे नजरिए से काम करते हैं, और जो फीमेल होती है वो मतलब उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन टच के साथ साथ एक जो मैंने अभी बताया कि सिक्स सेंस होती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं जिसमें हम लोगों को अचीवमेंट मिला है। और स्टेट क्राइम ब्रांच में तो सारे पुराने केसेस आते हैं, 2 साल से पुराने ही होते हैं, तो उसमें हर चीज को एविडेंस को खोद के निकालना, उसकी जांच करना किसी भी केस की, तो वो अपने आप में एक उपलब्धि होती है क्राइम ब्रांच की। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हमने सुलझाए हैं और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे केसेस सुलझाएंगे। मैम, एजुकेशन पीरियड में जब आप एजुकेशन में थे, स्कूलिंग लाइक कॉलेज में, तो उस समय तो एक स्कूल में तो एक टीनेजर बच्चा रहता है, तो उस समय की अगर बात करें तो उस समय में आपने सोचा था डॉक्टर बनेंगे जैसे कि आपने बताया जी, तो वो भी किसी से आप प्रभावित होके डिसीजन लिया होगा या कोई आपके फैमिली में थे या किसी को देख के कोई आपका रोल मॉडल रहा होगा, कैसे आपने सोचा डॉक्टर बनना? नहीं, वो मुझे याद नहीं है, बचपन से ही ये सपना था कि डॉक्टर बनूंगी, मुझे याद नहीं है कि कहां से इंस्पिरेशन या क्या हुआ। तो बाकी ये है कि वो जो इच्छा थी डॉक्टर बनने की वो और प्रबल हुई कि हमारी जिंदगी में ना या तो उस वक्त जैसे सिनेमा हॉल में कभी कभी चले जाते थे, बहुत कम पिक्चर्स देखते थे लोग, तो एक पुरानी पिक्चर थी उसमें एक लेडी ऑफिसर आर्मी में वो डॉक्टर थी, तो माला सिन्हा जो है वो डॉक्टर थी, तो कहीं ना कहीं उसके रोल से प्रभावित हुई। अपने आसपास के जो भी चीजें हैं बच्चे कहीं से भी इंस्पिरेशन ले लेते हैं, तो डॉक्टर बनने का सपना तो बचपन से ही था, मुझे याद नहीं है किसको देख के हुआ लेकिन वो शुरू से था। पर बाद में जो मैंने बताया कि उड़ान सीरियल देख के पुलिस ऑफिसर बनने की तमन्ना हुई, तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि एक जिस भी फील्ड में गए तो ठीक ठीक ठाक ही अचीव किया। कोई चीज मैम ऐसे बताए जो चीज आपने बिल्कुल सोचा और 100% वो अचीव कर लिया आपने? 100% अचीव कर लिया। हमारी बहुत सारी ऐसी डिमांड होती है कि हम पेरेंट्स से डिमांड कर देते हैं या छोटे होते भी कर देते हैं, या वैसे भी हम अपना एक मन में रखते हैं कुछ जो पेरेंट्स को हम नहीं बता पाते हैं, पर हमारे मन में घर कर रहा होता है उस चीज की ये मैं करके ही रहना है। ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ हो? देखिए मैं जब पढ़ती थी तो आम तौर पर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियों की शादियां हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते, तो ऐसे में जो है पेरेंट्स के ऊपर भी असर होता है कि भाई अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं, और तो बहुत सारे रिश्ते भी आए, और तो मैंने अपने फादर को बोला कि हम मुझे शादी नहीं करनी है अभी, अभी मुझे कुछ बनना है। तो वो बनने का जो इच्छा थी वो ये थी कि भी अपने पैरों पर खड़ा होना है, और पैरों पे खड़ा होके ही मतलब जब डीएसपी बन गई उसके बाद ट्रेनिंग के बाद मैंने शादी की, तो ये भी अपने आप में अचीवमेंट है कि अपने सपनों को पूरा करना, और उसमें पेरेंट्स का साथ उनका आशीर्वाद हमेशा मिला, तो कोई ऐसा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी किसी भी चीज में, बहुत इजी और बहुत स्मूथ रही है जिंदगी। लेकिन स्ट्रगल्स आते हैं, वो आपके ड्यूटी के टाइम पे आते हैं, बहुत सारी चैलेंजिंग जॉब्स होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी को करनी होती हैं। तो जो लोग इस चीज के लिए तैयार हैं कि देश सेवा करनी है और पर्सनल कंफर्ट्स को दूर रख के अपनी इच्छाओं को थोड़ा बहुत मार के, जैसे हमने कभी तीज त्योहार नहीं मनाया था कि घर में रह के, जब भी कोई तीज त्योहार आता था तो कहीं ना कहीं ड्यूटी लगती थी,
तो उस वक्त जो है आदमी को, जैसे मुझे याद है कि मेरे बड़े बेटे की पहली दिवाली जो है वो कुरुक्षेत्र में मेला ड्यूटी में मैं गई हुई थी और वो उस दिन नहीं मना पाया, तो नेक्स्ट डे मैंने जाके उसके साथ फिर सेलिब्रेट किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आदमी को पर्सनल कंफर्ट्स और पर्सनल एंजॉयमेंट को छोड़ के करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपने वर्दी को पहना है तो उसको उसकी शान को तो बना के रखना चाहिए। हाँ, एक्चुअली जैसे कि आपने बताया राम कि जितने भी अगर कोई जिम्मेवारी वाली हमारे पास कमान है तो उसमें हमें कहीं ना कहीं अपने पर्सनलाइज जिंदगी को कंप्रोमाइज करके, पर फिर भी आपने बैलेंस किया टाइम टू टाइम। जी बिल्कुल, तो ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है आपका। थोड़ा सा देखो, हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से आपने क्या करना है, आपकी प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ती है कि आपको क्या चीज बैलेंस कर, आप घर गृहस्थी और नौकरी में बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो क्योंकि लेडी आफ्टर ऑल वाइफ भी है, माँ भी है और बहू भी है, तो उसको कई सारे रोल करने पड़ते हैं, बेटी भी है, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, साथ में नौकरी में भी सीनियर ऑफिसर्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो आपको अपने आपको भी जो है मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम करना पड़ता है। जॉब सेटिस्फेक्शन तभी है जब आप इन सब चीजों को अपना आप टाइम दे रहे हैं, अपने नौकरी को भी दे रहे हैं टाइम, आप अपने घर में भी दे रहे हैं, तो वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन वो बहुत जरूरी है। मैम, आप जितना कुछ अभी आपने बताया कि वो काफी अच्छा आपने बैलेंस किया लाइफ को अभी तक, ठीक है, वो बीइंग मदर, बीइंग वाइफ, बीइंग एक ऑफिसर, तो इसके लिए कुछ खास कोई मेडिटेशन या कुछ कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? कभी कभी बीच बीच में योगा प्राणायाम कर लेते हैं और जिम भी चले जाते हैं, तो बहुत सारी जो है फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते हो तो स्वेट आउट करते हो आप अपने एंगर को, अपने जो है डिससेटिस्फेक्शन को, तो कहीं ना कहीं वो जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स जो एडवर्स हालात के टाइम बनते हैं तो वो आप अपने निकालते हो, तो वो जो जोश और वो जो गुस्सा और जो एंगर और जो आप कुछ भी कह लें उसको, वो ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज में निकल जाता है और आदमी बैलेंस हो जाता है। योगा मेडिटेशन से आपको जो है एक सही दिशा सोचने की मिलती है, तो ये सब चीजें कर लेनी चाहिए इंसान को। थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी मैम ने बताया कि बीइंग गर्ल चाहे कोई भी दुनिया में हो, अगर दिल बड़ा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, तो किसी भी जिम्मेवारियों को इन्होंने निभाने में कमी नहीं छोड़ी, सबको बैलेंस किया। तो ओवरऑल मैसेज मैम का यही जाता है कि आप भी चाहें, चाहे वो बीइंग गर्ल या बॉय, तो हर मैं यही कहना चाहूंगी कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछाल दे, तो दिल से काम करने की बात। आप एप्रिशिएशन के पीछे मत भाग रहे, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, मन की सेटिस्फेक्शन तभी होती है जब आप काम करते हैं और अच्छे से करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। अभी मैंने देखा था मैम, आपने एक कविता के लिए बुक भी लिखी है कोई, जी, अधखिली धूप, जी, उसका क्या मैसेज है मैम? क्या देखिए, अधखिली धूप, इंसान का व्यक्तित्व कभी भी पूरा सबके सामने नहीं आता है, कुछ पहलू इंसान की जिंदगी में ऐसे रह जाते हैं कि जो दबे ढके और आपकी मन की इच्छाएं, आपका एक व्यक्तित्व जो है हमेशा पूरा 100% किसी के सामने नहीं आता है, तो वो कविताएं जो है उन भावनाओं को प्रकट करने का तरीका है। और मैं मानती हूं कि एक अच्छा इंसान वही है जो किसी को दुख में देखे तो उसके दुख को जानने की कोशिश करे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूं, क्या करूंगी, वो सब चीजें सोचने का जो है वो मेरे अंदर एक मैं कह सकती हूं कि तमन्ना रहती है, और उसी इच्छा को रखते हुए मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हर वर्ग के लिए है वो किताब, तो कोई भी पढ़ेगा तो मेरे ख्याल से वो उसको अच्छी लगेगी। ये मैम फर्स्ट बुक लिखी है, इससे पहले भी कोई लिखे हैं? नहीं, पहली किताब है, छपवाई पहली बार है, लेकिन लिखती बहुत टाइम से आ रही है, आगे उम्मीद है कि कुछ और, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लिखते रहेंगे, एक बार शुरू हो गए किताबें आने तो आएंगी, आगे भी आएंगी। वो मैं चाहती हूँ कि सभी उसको पढ़ें और अप्रिशिएट करें ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। थैंक यू सो मच।